देर लगे पर सच की ही जीत होती है, ये हमने सुना था, आज देख भी रहे हैं। ये उड़ता पंजाब नहीं, उड़ता बॉलीवुड था। हमें बदनाम करने के लिए उड़ता पंजाब बनाया गया, जबकि इनकी खुद की ये स्टोरी थी, ये मैं चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था। अब तो मेंटाना वर्मा के ड्रग नेक्सस के साथ लिंक सामने आ रहे हैं, किस तरह से वो नशेड़ी है। और उस मूवी में किरदार जो थे वो भी जिस पार्टी में मौजूद थे, मैं 2019 से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था इनके खिलाफ इनकी जांच की जाए, ये नशे से ग्रस्त हैं। आज उस नशे उसी पार्टी के लोग दीपिका पादुकोण सामने आ गई। कल आप देखना रणबीर कपूर का भेद खुलेंगे, अर्जुन कपूर के भेद खुलेंगे, करण जौहर तो नशेड़ी है ही है, शाहिद कपूर जिस इस मूवी का मुख्य किरदार था वो भी नशे की उस पार्टी में मौजूद है। मैं एनसीबी से यह दरख्वास्त करता हूं, जहां नशे की जांच हो रही वहां यह भी जांच की जाए किस पर्पज से और किन लोग थे इनके पीछे जिन्होंने इस मूवी को फंडिंग किया, फाइनेंस किया, कौन लोग थे जिन्होंने हमें बदनाम करने के लिए ये एक साजिश रची। और इन लोगों के खिलाफ जहां आने वाले दिनों में आप करण जौहर को जेल जाता देखेंगे, रणबीर कपूर को, अर्जुन कपूर को, शाहिद कपूर को, दीपिका पादुकोण का नाम तो आपने देख ही लिया, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो मैं चला चला कर कह रहा था वो सच है, बॉलीवुड उड़ता है पंजाब नहीं, पंजाब अन्नदाता था, अन्नदाता है, अगर उड़ता है तो वो बॉलीवुड है, और नशे से ग्रस्त है तो वो बॉलीवुड है।